गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने गांव का मंदिर आपको दिखाएंगे। हमारी सिस्टर की शादी हुई थी, तो हमारे यहाँ शादी के बाद माता जी के मंदिर जाया जाता है, देवी पूजने जाया जाता है। तो आज हम सभी लोग देवी पूजने आए हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं हमारे साथ, हमारी बहन भी आई हुई है। तो देखिए, सब लोग बैठे हुए हैं और माता जी के भजन कीर्तन की तैयारी चल रही है। सब लोग भजन कीर्तन करेंगे यहाँ पर और हम आपको पूरा दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो ये देखिए मंदिर है, जो कि हम मंदिर के अंदर आए हुए हैं और ये अंदर का पूरा सीन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं और ये हमारी दादी है जो पूजा कर रही है। ये देखिए, सब कहीं पे ये पूजा करेंगी और ये सब लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे भगवान हैं, छोटी छोटी सी प्रतिमा हैं, भोले बाबा भी हैं यहाँ पर, हनुमान जी हैं, सरस्वती माता हैं, सभी भगवान हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको अपनी सिस्टर से भी मिलाते हैं जिसकी शादी थी। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी मंदिर में है और ये हमारी सिस्टर है, इन्हीं की शादी हुई है। शादी के बाद हम लोग देवी पूजते हैं। तो ये हमारा मंदिर है, शीतला माता मंदिर है जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए सब लोग हैं यहाँ पर। हलवा पूड़ी यहाँ पर भोग लगाया जाता है, हलवा पूड़ी बनती है, गुलगुले बनते हैं, पूरा प्रसाद इसी तरह से बनता है। ये दादी है मेरी जो कि चावल के थापे लगा रही हैं। हमारे यहाँ जब भी शीतला माता के मंदिर में पूजा करने जाया जाता है तो चावल का चौरीठा बनाया जाता है और सब जगह पर थापे लगाई जाती हैं। जो भी महिलाएं होती हैं या जो रिलेटिव हमारे रुके हुए होते हैं शादी में जो आते हैं, तो उनको सबको ले जा करके शीतला माता मंदिर में जाया जाता है। चाहे बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, जब बेटे की शादी होती है तो बहू को भी लाया जाता है यहाँ पर, और बेटी की शादी होती है तो बेटी को भी यहाँ पर दर्शन जरूर कराए जाते हैं। ये हमारे गाँव का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। बहुत समय से ये मंदिर, जब से हमने सुध संभाली है तब से हम इस मंदिर को देख रहे हैं और यहाँ पर सभी लड़कियाँ आती हैं, सभी बहुएं आती हैं, यहीं पे मत्था टेकती हैं और सारा जो प्रसाद होता है वो घर से बना कर लाया जाता है। तो देखिए, हम भी डलवा भर पूड़ी लेकर गए हैं, हलवा बनाया है, गुलगुले बनाए गए हैं और ऐठी गोइठी जो बनती हैं वो भी बनाई गई हैं। ये इस तरह से खूट बनाकर तैयार किए जाते हैं और माता जी को यही खूट चढ़ाए जाते हैं, यही प्रसाद चढ़ाया जाता है। सुबह सुबह ये हम लोग उठ गए थे, 4 बजे के करीब हम लोग उठे थे सो करके, और सब झाड़ू पोछा किया, जो भी घर के काम होते हैं वो सारा काम करने के बाद, नहाना धोना होने के बाद ही हम लोग प्रसाद बनाने में लग गए थे। और ढेर सारा प्रसाद बनाना था तो ये सारा प्रसाद हमने बना लिया है और अभी थोड़ा प्रसाद हमारी गाड़ी में भी रखा हुआ है जो कि अभी हमको बाहर बांटना है। जो भी लोग होंगे, जो भिखारी वगैरह बैठे होते हैं, उनको भी प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो लोग आते हैं इस तरह से पूजा करते हैं। इससे पहले भी कोई पूजा करके गया हुआ है तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फूल चढ़े हुए हैं। तो यहीं पे सभी लोग आते हैं क्योंकि ये शादी का सीजन चल रहा है और इस टाइम मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो ये हम लोग आने में थोड़ा देर कर दिए हैं, इसलिए हमको ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं मिले हैं, लेकिन एक जोड़ा और भी है मंदिर में। अभी हम आपको उस जोड़े से भी मिलवाएंगे। वो किसी बेटे की शादी हुई है तो वो अपनी वाइफ के साथ, यानी कि दूल्हा दुल्हन दोनों ही माता जी के मंदिर में माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। तो ये हमारी दादी जी जो हैं वो पूजा शुरू कर चुकी हैं, इन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया है, माता जी को भोग लगाने जा रही हैं। तो यहाँ पर माता जी को भोग लगाया जाता है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं। सबसे पहले जो जिसकी शादी होती है उसकी आंचल में प्रसाद दिया जाता है और प्रसाद देने के बाद ही जिस लड़की का ब्याह होता है उससे पूरी पूजा करवाई जाती है और माता जी से प्रार्थना कराई जाती है कि वो प्रार्थना कर लें, माता जी से आशीर्वाद ले लें कि उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरी रहें, कभी कोई संकट ना आए। तो ये बहुत ही सच्चा मंदिर है, यहाँ पर सच्चे मन से अगर आप कुछ भी मांगते हैं तो शीतला माता उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वैसे तो हर किसी के गांव में कुल देवी का मंदिर होता है जहाँ पर बेटियाँ शादी के बाद आती हैं, देवी पूजती हैं। तो ये मंदिर भी हमारा उसी तरह से है क्योंकि ये हमारे गाँव का मंदिर है, तो गाँव की हर लड़की को यहाँ आना होता है और हर लड़के को भी शादी के बाद यहाँ पर आना होता है। ये हमारे जो रिलेटिव हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, ये सभी लोग आए हैं माता जी के भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये हमारी बहन है जो कि ढोलक बजा रही है, तो आप लोग देख सकते हैं।
चाची जी हैं और ये हमारी बहन है और मम्मी के साथ ये पूजा कर रही हैं। जैसे जैसे मम्मी बताएंगी वैसे वैसे बहन को पूजा करनी है। और जो दादी है मेन पूजा तो हमारी दादी ही करेंगी, क्योंकि वो हमारे घर की बड़ी हैं, इसलिए वो ही ये सारे काम करती हैं। पूजा पाठ का जितना भी काम होता है शादी में, जो भी पूजा पाठ का काम था वो सारा हमारी दादी जी ने ही किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेन पूजा हमारी दादी जी कर रही हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं और इनको पूरा अंदाजा है कि कौन सी पूजा किस तरह से की जाती है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सारी शादियाँ की हैं और हर शादी में ये मंदिर आई हैं, तो इनको ज़्यादा पता है कि किस तरह से यहाँ पर पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर दीप जलाया जाता है, कपूर जलाया जाता है, लौंग, जिस तरह से आप घर में पूजा करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी पूजा की जाती है। लेकिन ये शादी की पूजा होती है तो थोड़ा ये खास है, क्योंकि इसमें चौरीठा वगैरह भी लगाया जाता है। मंदिर में चारों तरफ से थापे भी लगाई जाती हैं, जो मेन गेट होता है वहाँ पर भी थापे लगाई जाती हैं। ये प्राचीन पेड़ है, नीम का पेड़ है और यहीं पर भोले बाबा हैं, तो यहाँ पर भोले बाबा की पूजा आराधना ये लोग कर रहे हैं और सारा प्रसाद यहाँ पे रखा हुआ है। यहीं से आप सभी को प्रसाद दिया जाएगा, जितनी महिलाएं आई हैं सबके आंचल में एक एक खूर यानी कि दो दो पूड़ी, हलवा, गुलगुला, ये सारी चीज़ें सभी के आंचल में दे दी जाएंगी। और ये पूजा बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। ये पूजा समझ लीजिए कि ये शादी की आखिरी पूजा होती है, जो आखिरी रस्म होती है ये शादी की सबसे आखिरी रस्म है, जो कि सीता माता के मंदिर पे जा करके सब लोग मत्था टेकते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि शादी हमारी अच्छे से संपन्न हो गई है, अब बेटिया के जीवन में खुशियाँ भरी रहें, यही माता जी से सभी लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी प्रतिमाएँ हैं पत्थर की, जो पिंडियाँ होती हैं पिंडी रूप में भी यहाँ माता जी स्थापित हैं। तो ये मंदिर काफ़ी बड़ा है और हर जगह पे छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं और पिंडी में भी माता जी स्थापित हैं, तो सब जगह पे पूजा करनी ज़रूरी होती है। तो इस पूजा को करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी हमारी चावरीठा किस तरह से लगा रही हैं, इसी क्रम से ये पूजा की जाती है। ये घर जो भुइया भवानी जिसको कहते हैं, ये भुइया माता हैं, तो ये भुइया माता की पिंडी है जो कि दादी जी पूजा कर रही हैं और इनका भी इन्होंने आशीर्वाद ले लिया है। जितने लोग आए हैं सब लोगों ने माता जी के दरबार में मत्था टेका है और सब ने माता जी का आशीर्वाद भी लिया है। तो हम भी बहुत दिनों के बाद इस मंदिर में आए हैं, लगभग 3 साल के बाद हम इस मंदिर में आए हैं। ये हमारी भतीजी है जो कि बैट बॉल खेल रही है यहाँ पर, और ये माता जी का मंदिर है। यहाँ पर भी दुर्गा माता है। अभी हम आपको शीतला माता के दर्शन कराएंगे, अभी हमने आपको शीतला माता के दर्शन नहीं कराए हैं। ये सब जो कि अंदर के मंदिरों में छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई हैं उनमें हम लोग मत्था टेक रहे हैं। अभी हम आपको शीतला माता की बड़ी प्रतिमा के दर्शन कराएंगे। ये सारे लोग ढोलक बजा रहे हैं, माता जी की आराधना कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये देखिए नीम का पेड़ लगा हुआ है, पहले ये पूरा कच्चा था और अब तो यहाँ पर पूरा प्लास्टर वगैरह हो चुका है। तो ये चाची हमारी माता जी का भजन गा रही हैं, आप लोग थोड़ा सा भजन सुन लीजिए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये माता जी का मेन मंदिर है जो कि शीतला माता का जो मुख्य मंदिर कहलाता है। ये प्रतिमा है माता जी की, तो ये बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये शीतला माता हैं जो कि शेर पे बैठी हुई हैं और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा मंदिर है। पहले ये एक मंदिर था, बिल्कुल छोटा सा मंदिर था, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते 8-10 सालों में इस मंदिर
को बहुत बड़ा बनवा दिया गया है, टाइल पत्थर भी लग चुके हैं यहाँ पर, और इसका जो फ्लोर है वो भी पूरी तरह से जगमगा रहा है। लेकिन पहले इस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं था, बस छोटा सा मंदिर था जो हम लोग आते थे और मंदिर के दर्शन करके चले जाते थे। लेकिन अब यहाँ जब भी पूजा करने आते हैं तो यहाँ पर बहुत टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी प्रतिमाएं और भी स्थापित कर दी गई हैं। बहुत सारे भगवान इस मंदिर में इस टाइम उपलब्ध हैं, तो यहाँ पर सभी लोग दर्शन करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल पिकनिक की तरह भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये आपको हम बाहर का सीन दिखा देते हैं, थोड़ा सा मंदिर के बाहर का। ये बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है श्री शीतला माता मंदिर का, तो आप लोग देख सकते हैं। ये मंदिर है जो कि पहले तो इतना फेमस नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, बहुत सारे लोग इसको जानने लगे हैं। और ये हमारे गाँव का मंदिर है, मुख्य मंदिर है, जहाँ पर हम लोग शादी के बाद ज़रूर आते हैं, यहाँ पर दर्शन कराते हैं बेटियों को। ये रोड है बाहर का, मेन रोड पे ही ये मंदिर है। मंदिर के बाहर खूब बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ है और देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छा बन गया है, बैठने वाला भी बन गया है यहाँ पर। जो भी अब ये एक जोड़ा आया है, यहाँ पर किसी के बेटे की शादी हुई है तो वो अपनी बहू को लेकर आई हैं यहाँ पर दर्शन कराने, और ये सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है, माता जी का आशीर्वाद सभी ने ले लिया है और सब लोग हलवा पूरी का भोग लगा रहे हैं। तो हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।